जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संकल्पना के बारे में और इससे संबंधित जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी समाधान है, उन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो सिद्धांत है वह पृथ्वी के जियोडेसी का, जियोफिजिक्स का और जियोमोर्फोलॉजी के तीनों समस्याओं को यह सोल्व करने की कोशिश करता है और बड़ी बड़ी समस्याओं को यह सोल्व भी कर लेता है। इस सिद्धांत में आप देखेंगे कि कैसे कैसे प्लेट के टकराने से भूकंप आता है, दूर दूर जाते हैं तो वहाँ भी भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी कैसे फटता है, भूकंप कैसे आते हैं, रीज का निर्माण कैसे होता है और पर्वत का निर्माण कैसे होता है, हिमालय कैसे बना, एंडीज कैसे बना, इन सब के बारे में तो जानेंगे ही, साथ साथ जानेंगे कि ट्रेंच कैसे बनते हैं, मेरियाना ट्रेंच बना हुआ है यहाँ पे तो वो कैसे बना हुआ, सुंडा गर्त कैसे बना होगा, डिप्स कैसे बन जाते हैं समुद्र के अंदर में, और भी आप जानेंगे कि आइसलैंड आर्क क्या होता है ना, वो फेस्टून्स क्या होते हैं, ये सब जानेंगे आप। साथ ही साथ आप इसके अंदर में जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे और भी सारी रहस्य से पर्दा उठते जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आज एक क्रांतिकारी सिद्धांत को पढ़िए। यह पूरे पूरे मतलब भूगोल का एक सबसे सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सिद्धांत है और इसको जो जान लिया तो समझिए वो भूगोल के बारे में बहुत कुछ जान जाएगा। हालांकि यह सिद्धांत सिर्फ भूगोल का ही नहीं है, यह सिद्धांत जो है दूसरे विषय वालों को भी पढ़ना पड़ता है और इससे प्रश्न जो है वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसलिए चलिए हम लोग इस प्लेट विवर्तनिकी के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से समझते हैं। आप जानेंगे कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बन जाते हैं, आप ये भी जानेंगे कि महासागर कैसे बन जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परिचय से कि प्लेट कहते किसे है, प्लेट होता क्या है। तो सर्वप्रथम यह जान लीजिए कि प्लेट क्या होता है। देखिए प्लेट जो है वह पृथ्वी के दृढ़ भूखंडों को कहते हैं, रिजिड लैंड मास को कहते हैं। अब रिजिड लैंड मास क्या होता है वह देख लीजिए। देखिए आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने, जिसको हमने आपको पहले पूर्व कक्षाओं में बताया था कि ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं, यह आप 3D मॉडल देख रहे हैं, जियोड शेप में देख रहे हैं, इसके अंदर में जब जाएंगे तो कैसे कैसे परतें मिलेगी, मैंने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। क्रस्ट मिलेगा, फिर मेंटल मिलेगा, फिर कोर मिलेगा, फिर क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है, वो डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी। फिर आप उसके नीचे जाएंगे तो मोहो डिसकंटिन्यूटी मिलेगा, उसके भी अंदर चले जाएंगे मेंटल है तो मेंटल का जो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल भी है, उसके बीच में आपको एक और डिसकंटिन्यूटी मिलता है जिसको बोलते हैं रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। साथ ही साथ आपको उसके और अंदर में जाएंगे तो आपको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। फिर उसके बाद ये जो आउटर कोर है और इनर कोर है उसके बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी मिलता है, इसको लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो देखिए डिसकंटिन्यूटी क्या होता है और लेयर कैसे बने हुए हैं, इसका मतलब पृथ्वी का जो लेयर है वह एक समान नहीं है, कहीं पे ठोस है कहीं पे सेमी लिक्विड अवस्था में है, इस तरह से लेयर बने हुए हैं। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर में कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, एनर्जी इकट्ठा होता है वह किसी न किसी फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करता है तो लहरों के रूप में बाहर निकलता है, इसीलिए भूकंप आ जाते हैं, ज्वालामुखी फट जाता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्लेट होता क्या है। प्लेट जो है वो रिजिड लैंड मास, यानी ऊपर के आप देख रहे हैं कि एक पृथ्वी का हमने एक मॉडल बना लिया है छोटा सा, आप देखें कि बीच में नीफे है और उसके चारों तरफ जो है मेंटल का है एक पूरा परत और उसके ऊपर क्रस्ट है, ये पृथ्वी का हमने बनाया। पृथ्वी आप जानते हैं ना, यहाँ से 0 डिग्री से जीरो से शुरू करेंगे 6371 किलोमीटर तक इसका रेडियस है, 6371 किलोमीटर, और ऊपर का जो परत है यहाँ से 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट, और 100 किलोमीटर मोटा है ये। और मेंटल से ले इसमें देख रहे हैं 100 किलोमीटर से नीचे 2900 किलोमीटर तक, इसको बोलते हैं मेंटल, यह 2900 किलोमीटर मोटा है। और उसके नीचे जाएंगे नीफे, नीफे जो है फिर 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर के बीच में है। अब देखिए ये तीनों जो परतें हैं या तीनों परत अपने अपने गति से मूवमेंट करते हैं, नीफे ज़्यादा तेज गति से घूम जाता है, रोटेट करता है, और मेंटल जो है उससे थोड़ा कम गति से रोटेट करता है, और ऊपर का जो क्रस्ट है वह ज़्यादा एकदम धीरे 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 वह रोटेट करता है। इसकी जो रोटेशनल गति है वो अभी आपको हम बताएंगे। और ये जो क्रस्ट है ना, ये पूरा का पूरा पृथ्वी का जो ऊपर का जो क्रस्ट आप देख रहे हैं, यह क्रस्ट एक नहीं है बल्कि क्रस्ट टूटा हुआ है,
तो प्लेट कहते हैं क्रस्ट के टूटे हुए पार्ट को भी। अब ये कितने पार्ट में टूटा हुआ है इसके बारे में वैज्ञानिक जो है वह अलग अलग बातें करते हैं। वाशिंगटन डीसी अलग बात करता है, नासा के वैज्ञानिक अलग बात करते हैं, मॉर्गन साहब ने अपने तरह से संकल्पना दिया था उसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन आप सिर्फ यही समझ लीजिए कि क्रस्ट का टूटा हुआ भाग को प्लेट कहते हैं, जो कि रिजिड लैंड मास है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि लार्ज ब्लॉक ऑफ लिथोस्फीयर, इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं, 100 किलोमीटर मोटा जो परत है ऊपर का, ये जो क्रस्ट वाला, इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं। तो इसको ये टूटा हुआ है। अब कितने पार्ट में टूटा हुआ है इस पे तो अभी हम बात करेंगे ही। तो आप प्लेट को समझ गए होंगे, प्लेट इसी में स्थेनोस्फीयर पे 100 किलोमीटर के नीचे पिघली हुई चट्टाने हैं उसको कहते हैं स्थेनोस्फीयर। स्थेनोस्फीयर इसी पे संचलित करती रहती है, इस पे घूमते रहता है। अब देखिए प्लेट तो समझ गए, विवर्तनिकी क्या होता है, विवर्तनिकी को समझिए, टेक्टोनिक्स क्या होता है। देखिए तो हम सिद्धांत ही पढ़ रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी। विवर्तनिकी होता है प्लेटों के संचलन करने की जो दिशा होती है, उसकी टेंडेंसी होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है, उसका जो स्वभाव होता है, और उस संचलन से जो उत्पन्न अलग अलग आकृतियां है, जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उसके, उसका परिणाम क्या होता है उसके संचलन से, उसको कहते हैं टेक्टोनिक्स, उसको कहते हैं विवर्तनिक। तो विवर्तनिक भी आप समझ गए होंगे, उसके स्वभाव का और उसके प्रवाह का अध्ययन किसका, प्लेट का, उसको विवर्तनिकी कहते हैं। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनिकी। अब प्लेटों में गतिशीलता का कारण क्या है, प्लेट चलते क्यों है, उसका कारण क्या है, इसको तो ढूंढना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए इसके पीछे भी वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे जियोफिजिस्ट्स ने, गणितज्ञों ने अलग अलग बातें कही है। टेलर महोदय तो आप जानते हैं, इससे पहले हमने बताया था, उन्होंने अपनी संकल्पना दिया था, और उसी तरह से वेगनर महोदय भी अपनी संकल्पना देते हैं, डिफरेंशियल ग्रेविटेशन मोशन और फोर्स ऑफ बोयंसीज, और साथ ही साथ टाइडल फोर्स की चर्चा करते हैं सूरज और चंद्रमा का। अब आधुनिक वैज्ञानिक जो है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स वाले लोग हैं, वह इसके फोर्स की चर्चा करते हैं बहुत वैज्ञानिक ढंग से, और अभी यही मान्य है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इसके संचलन का कारण क्या है, वो कैसे चल जाता है इस पृथ्वी पे। तो देखिए सबसे पहले जो है कहा जाता है कि अर्थ का रोटेशन, पृथ्वी जो है वह रोटेट कर रही है। आप तो जानते ही हैं कि अपने अक्ष पे पृथ्वी जो है वह घूर्णन करती रहती है पश्चिम से पूरब, तो ये बहुत तेज गति से घूर्णन कर रही है। तो इससे क्या होता है कि इस घूर्णन करने से एक फोर्स लगता है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्रापसारी बल। ये बाहर की ओर चीजों को फेंक देता है, जब ऐसे लगातार घूर्णन करने से ऐसे एक बल लगता है जो कि भूमध्य रेखा के क्षेत्र में के आसपास ज्यादा तेज होता है, और जैसे 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 हम पोल की तरफ बढ़ेंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ, नॉर्थ साउथ की तरफ, केंद्रापसारी बल कम होते जाता है, वह कम होते जाएगा और धीरे 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 इस पे पहुंचे कि शून्य हो जाएगा, कहां पे, ध्रुव पे। तो इससे होता क्या है कि जो पृथ्वी है उसके जो 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 इस पे जो वस्तु है, जो इसका कंटिनेंट है, वह खिसक जाते हैं पोल से, पोल से खिसक खिसक के वह मध्य वाले पार्ट में आते रहते हैं, यानी इक्वेटर की तरफ आते रहते हैं। पोल पर जो कुछ भी होगा वह खिसक करके कहां पे आएगा, इक्वेटर पे आएगा। तो इसको बोलते हैं इक्वेटर वार्ड फोर्स, इसको कहेंगे इक्वेटर वार्ड फोर्स। और इसको आयलर के मोशन से भी समझाया जा सकता है। आयलर ने ज्यामितीय नियम बताया था कि ये जो पूरा पृथ्वी है एक गोला के रूप में है, इलिप्टिकल शेप में है लगभग लगभग, ये इसको आप जियोड कह सकते हैं। जब इस पे प्लेट संचलन करती है तो कैसे करेगा, उसका मूवमेंट कैसा होगा, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि पोल से किस तरह से भूमध्य रेखा की तरफ एक मोशन होगा। दूसरा, इसके रोटेशन करने से एक और बल लगता है। आप देख ही रहे हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर यह रोटेशन कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो ऊपर का जो क्रस्ट है, ऊपर के क्रस्ट पे एक फोर्स का काम लगता है। वो क्या होता है कि वह थोड़ा सा हल्का सा धीरे धीरे हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ऊपर का जो क्रस्ट है वह संचलन कर रहा है, वह रोटेशन कर रहा है, और उसके नीचे मेंटल भी है, वो भी रोटेशन कर रहा है। अब ऊपर का जो क्रस्ट है वह धीरे 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 क्या होते हैं कि पीछे छूटते जाते हैं,
चूंकि महाद्वीपों का विस्तार भी आप देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अगर देखिएगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि नॉर्थ अमेरिका जो है और साउथ अमेरिका जो है उसका देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं यहाँ पोल से लेकर इस पोल के थोड़ा सा नज़दीक तक सटा हुआ, यानी कि इसका देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे क्षेत्र जिसका देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा है और निम्न अक्षांश में भी है, मध्य अक्षांश में भी है, उच्च अक्षांश में भी है, तो ऐसे देशांतरीय विस्तार वाले जो स्थल खंड होते हैं, जो प्लेट्स होते हैं, वह पृथ्वी के रोटेशन के साथ मूवमेंट कम कर पाती है और धीरे धीरे पीछे छूटते जाते हैं और इनका जो डायरेक्शन है वह पश्चिम की तरफ होते जाता है। इसीलिए यह जो है पश्चिम की तरफ खिसक रहा है, कौन? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन प्लेट। इसको एक ही प्लेट माना जाता है, अमेरिकन प्लेट इसको कहते हैं। यह प्लेट पश्चिम की ओर खिसक जा रहा है, वेस्टवर्ड इसका डायरेक्शन है। अब देखिए और क्या है इसके पीछे खिसकने, प्लेट के खिसकाने के पीछे और कौन कौन से कारक है। तो देखिए इसमें एक है हॉट स्पॉट। ये हॉट स्पॉट क्या होता है? देखिए हॉट स्पॉट आप देख लीजिए कि 100 किलोमीटर नीचे पृथ्वी के कहीं कहीं पे हॉट स्पॉट बने हैं। हॉट स्पॉट कहाँ बनेंगे? मेंटल में बनेंगे, मेंटल के ऊपरी अपर मेंटल में, कहीं कहीं पे 100 किलोमीटर नीचे, कहीं 200 किलोमीटर नीचे, कहीं पे 250-300 किलोमीटर नीचे या 400, कहीं कहीं पे तो उससे भी ज्यादा नीचे जो है बहुत गर्म गर्म रॉक्स है, बहुत गर्म गर्म लावा है, उसको लावा कहते हैं। और अंदर में इतना गर्म है कि वो बाहर निकलना चाहता है, वो निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है क्योंकि ऊपर का दबाव बहुत ज्यादा है, चट्टानों का उसको निकलने नहीं दे रहा है, वो निकलना चाहता है। अब वहां पे हॉट स्पॉट बना हुआ है, वही हॉट स्पॉट से एक प्लूम चलना शुरू होता है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल करेंट। आप जानते हैं संवहनीय तरंग चलता है और संवहन तरंग का मतलब होता है कि गरम गरम जो लावा होता है वो उसका जो है उससे जो एनर्जी निकलता है वह एनर्जी जो है एक धारा के रूप में चलता है, करंट के रूप में चलता है, इसीलिए उसको बोलते हैं संवहन धारा। अब संवहन जो होता है, संवहनीय धारा, वो कई जगह चलता है। आपको ये पृथ्वी के अंदर में तो चल ही रहा है, देख रहे हैं आप, जहां जहां द्रव वाला स्थिति होगा, सेमी लिक्विड फॉर्म में होगा पृथ्वी, वहां पर चलेगा। और दूसरा इसके पीछे और भी कारण है, ये कन्वेक्शनल करंट जो है वह आपको वायुमंडल में भी चलता है। आप देखते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्म होता है वहाँ की वायु और सीधे ऊपर उठ जाती है, उसको भी कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। यह समुद्रों में भी चलता है कन्वेक्शन करंट। तो मतलब यह आप पृथ्वी के अंदर में भी देख रहे हैं, वायुमंडल में भी देख रहे हैं, द्रवों में भी देख रहे हैं कि कन्वेक्शनल करंट चलता है, इसमें भी चलता है। उसको आर्थर होम्स महोदय ने बताया था, आज इसको एक सत्यता इसको दे दिया गया है, इसको सर्टिफाई कर दिया गया है कि ये सच है कि अंदर में कन्वेक्शनल करंट चलते हैं। और जो कन्वेक्शनल करंट बेलनाकार रूप से ऊपर उठती है, बेलनाकार रूप से, उसको बोलते हैं प्लूम, उसको प्लूम्स बोलते हैं। और यह प्लूम्स जो है वह प्लेटों को संचलित करने के लिए एक बहुत बड़ा फोर्स का काम करती है, एक बल का काम करती है, उस प्लेट को संचलित कर देती है, प्लेट का मूवमेंट कर देती है, प्लेट में विवर्तन होने लगता है, वह चलने लगता है। और भी देखिए रेडियो एक्टिव मिनरल्स क्या होते हैं। अब देखिए पृथ्वी के अंदर में रेडियो एक्टिव मिनरल्स भी है, वह क्रस्ट में भी है, मेंटल में भी है, कोर में भी है, लेकिन क्रस्ट, मेंटल और जो कोर है, यह जो कोर आपको हमने अभी लिखा है तो क्रस्ट में भी, लेकिन क्रस्ट वाला जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो उसका क्षय होते रहता है और धीरे धीरे ऊपर निकल करके वो वायुमंडल में चला जाता है, ज्यादा एनर्जी इकट्ठा नहीं कर पाता है। लेकिन मेंटल में जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स है, कहां पे? मेंटल में, मेंटल से जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वह जब टूटते हैं उसमें एनर्जी इकट्ठा होती है और एनर्जी जो है वह बाहर निकलने की कोशिश करता है। एनर्जी तो ऐसे भी आप जानते हैं कि जहां ज्यादा होगा वह कम की ओर चलना शुरू करेगा, कम से ज्यादा की ओर एनर्जी नहीं चलता है, ज्यादा से कम की ओर चलेगा। और ऐसे भी आप जानते हैं कि एनर्जी को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। अब अंदर में एनर्जी अगर उत्पन्न हो गया, मतलब वह किसी दूसरे फॉर्म में आ रहा है, तो वह तो निकलेगा ही, वह दूर जाने की कोशिश करेगा। तो यह जाता है कहाँ पे? और लगभग 100 किलोमीटर मोटी जो क्रस्ट है उसके नीचे वह इकट्ठा होने लगता है, उसका एनर्जी इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण यहाँ इतनी एनर्जी इकट्ठी होती है कि वहाँ की चट्टानों को वह पिघला देती है, सेमी लिक्विड फॉर्म में ला देती है, उसको कहते हैं अर्ध तरल अवस्था में आ जाती है, विस्कस अवस्था में आ जाती है। और साथ ही साथ अभी आपको हमने बताया था रोटेशनल डिफरेंशिएशन के कारण, मेंटल और क्रस्ट के बीच में रोटेशनल डिफरेंशिएशन है, मेंटल तेज गति से घूम रही है और ऊपर का जो क्रस्ट है वो धीरे धीरे गति से घूम रहा है, जिसके कारण इसके बीच में एक घर्षण बल लगता है, घर्षण जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन के कारण बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होता है, उसको बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी, इसको कहते हैं जियो
थर्मल एनर्जी कहाँ पे पैदा हुआ, यहीं पे पैदा हुआ 100 किलोमीटर नीचे, इसको बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। इसी एनर्जी के कारण प्लेट चलते रहते हैं, प्लेट संचलन करते रहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। तो आप इसको समझ गए होंगे कि कौन से बल है जिसके कारण प्लेटें संचलित होती है। अब देखिए, अब आपको इसके आगे का हम सिद्धांत समझा है, उसके पहले आप ये जान लीजिए कि प्लेट जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, उसका प्रकार आप समझिए। तो आगे का हम लोग देखते हैं कि प्लेट के प्रकार समझते हैं। देखिए, प्लेट को मुख्यतः दो प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार में बांटा गया है प्लेट के प्रकार? पहला जो बांटा गया है वह बांटा गया है संरचना या घनत्व के आधार पे, घनत्व के आधार पर। दूसरा बांटा गया है उसके आकार के आधार पे, आकार के आधार पर। अब देखिए, एक तो बताया संरचना और घनत्व के आधार पर, दूसरा बताया आकार के आधार पर। संरचना मतलब किस तरह के चट्टानों से वह बना हुआ है, उसमें जो है वह उसका घनत्व कितना है, ज्यादा कठोर है कि कोमल है, उसके आधार पर बटा हुआ है। दूसरा है आकार के आधार पर, यानी कि वह बहुत बड़ा है कि छोटा छोटा है, उसके आधार पर बटा हुआ है। तो आप देख लीजिए कि संरचना जो है वह संरचना में दो प्रकार की आपको प्लेट मिलेंगे। कौन कौन से मिलेगा? एक मिलेगा आपको महाद्वीपीय प्लेट, दूसरा मिलेगा आपको महासागरीय प्लेट। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट। इसको कहते हैं ओशनिक प्लेट। अब देखिए आगे, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट में अंतर क्या है, इसको जरा हम लोग एक बार समझ लेते हैं। देखिए, कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वह हल्के चट्टानों से बना हुआ है, ग्रेनाइटिक चट्टानों से बना हुआ है। ज्यादातर इसमें ग्रेनाइट और नीस मिलते हैं, ग्रेनाइट व नीस जैसे चट्टाने मिलती है। इसका घनत्व कम होता है और हल्का होता है। दूसरा है महासागरीय प्लेट, ये मुख्यतः बैसाल्ट से बना हुआ है, बैसाल्ट चट्टानों से बना हुआ। बैसाल्ट भारी होता है ग्रेनाइट की तुलना में, और बैसाल्टिक ज्यादा है। इसमें क्या क्या ज्यादा मिलता है? इसमें मैग्नीशियम और फेरियम, लौह तत्व की अधिक मात्रा होती है, मैग्नीशियम और फेरियम ऐसे पदार्थ मिलते हैं। चूना भी मिलता है इसमें, चूना। तो इस तरह से चीजें मिलती है जिसके कारण इसका घनत्व ज्यादा रहता है महासागरीय प्लेटों का। अब देखिए, महासागरीय प्लेटें और महाद्वीपीय प्लेट जो है कौन कौन से है और कैसे संचलन करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, महाद्वीपीय प्लेट को आप समझिए, 1 किलो रुई, आप देखिए 1 किलो रुई कितना ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, उसको वॉल्यूम ज्यादा होता है, विस्तार ज्यादा रहेगा। और 1 किलो लोहा ले लीजिए, तो उसको कहिए महासागरीय प्लेट। लोहा का देखते हैं घनत्व तो ज्यादा है, उसका कम रहेगा, क्षेत्रफल कम ढकेगा, लेकिन रहता तो 1 ही किलो है। अगर 1 किलो रुई ले लीजिए, 1 किलो लोहा ले लीजिए, दोनों को एक तराजू पे तौलिए, तो दोनों में से किसका तल ऊंचा होगा? ऊंचा तो होगा रुई वाले का, लेकिन भार दोनों का बराबर होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों 1 ही केजी का है, तो भार बराबर होगा। अब देखिए, प्लेट जो होते हैं वह स्टेनोस्फीयर में धंसे रहते हैं, थोड़ा सा उस पर संचलित करते हैं। भले ही महाद्वीपीय प्लेट का जो ऊंचाई है वो ज्यादा हो, लेकिन नीचे जो है स्टेनोस्फीयर में उन और महाद्वीप और महासागर दोनों प्लेट का जो है नीचे का जो तल है वो लगभग एक बराबरी स्थिति में ही रहता है, ऊपर में अंतर होता है उसकी बहुत सारी मोटाई में। अब देखिए होता क्या है, जो महाद्वीपीय प्लेट है उसको घर्षण का सामना ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वह ज्यादा दूर तक फैला हुआ है, ऊंचाई उसका ज्यादा है, तो घर्षण ज्यादा होगा वायुमंडल के साथ, इसके कारण उसकी गति भी कम होगी, गति उसका कम होगा। यह 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के दर से संचलित होती है महाद्वीपीय प्लेटें। इसकी जो गति है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के आसपास। जबकि महासागरीय प्लेटों का घर्षण का कम सामना करना पड़ेगा, और इसके कारण इसकी गति जो है वह ज्यादा तेज होती है। यह कितना गति करता है एक साल में? 5 सेंटीमीटर
यह 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष इसका गति होता है, ये प्रति वर्ष, यानी कि तेज गति से यह संचलन करता है। अब देखिए कौन कौन से जो प्लेट है वो महाद्वीपीय है, कौन कौन से प्लेट है जो महासागरीय है, उसको हम लोग एक बार इस मानचित्र में क्लियर कर लेते हैं। देखिए आप इस मानचित्र को देखिएगा, आप देखिएगा कि ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हमने बनाया है। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है इसको एक एक ही प्लेट माना जाता है, कुछ विद्वान इसको दो प्लेट मानते हैं। तो एक प्लेट तो ये हो गया, दूसरा प्लेट आप इधर देखिएगा, ये पूरा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है और इस साइड में भी आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। इसको बोलते हैं ईस्टर्न पैसिफिक ओशन और इधर बोलते हैं इसको वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ये पूरा का पूरा एक प्लेट है, उसको बोलते हैं पैसिफिक प्लेट, उसको प्रशांत प्लेट कहा जाता है। दो प्लेट हो गए। तीसरा प्लेट देखिए, इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट, इसमें यूरोप और एशिया का अधिकांश पार्ट शामिल है। आप देख रहे हैं कि अटलांटिक महासागर का भी एक पार्ट शामिल है इसमें, एक चौथाई के आसपास लगभग। और अफ्रीकन प्लेट है एक दूसरा, ये आप देख रहे हैं पूरा अफ्रीका के साथ साथ अटलांटिक महासागर का, यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर का आधा पार्ट इसमें शामिल हो जाता है। तो ये एक प्लेट हो गया। उसी तरह से एक प्लेट देखते हैं इंडियन प्लेट, इसको इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलाकर के ही एक प्लेट है, इसको इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडियन प्लेट या गोंडवाना प्लेट भी कहा जाता है। तो एक प्लेट ये हो गया। अब देखिए उसके बाद आप देख रहे हैं अंटार्कटिकन प्लेट है एक, एक पूरा का पूरा अंटार्कटिक महाद्वीप के साथ साथ दक्षिण में भी आप देखेंगे कि हिंद महासागर के लगभग आपको जो आपका रीज है हिंद महासागर का, वहां से ये शुरू हो जाता है और उसके पूरा अंटार्कटिका इसमें शामिल है, उसको भी एक प्लेट कहा गया है। तो इस तरह से अगर आप गिनती करेंगे तो प्लेट की संख्या कितनी हो जाएगी, बड़े बड़े मेजर प्लेट की संख्या, एक पैसिफिक हो गया, एक अमेरिकन प्लेट हो गया दो, उसके बाद यूरेशियन 3, अफ्रीकन 4, इंडियन 5, उसी तरह से आप देखेंगे अंटार्कटिकन प्लेट 6, ये 6 प्लेट आपके हो गए, मेजर प्लेट्स है 6, और छोटे छोटे भी कई सारे प्लेट्स है, जैसे कुछ विद्वानों ने कहा कि 20 प्लेट है। एक विद्वान थे उनका नाम था मॉर्गन, अब उस मॉर्गन के बारे में भी हम लोग समझते हैं कि कौन थे वो और कैसे कैसे इन्होंने पूरे सिद्धांत को दिया था। देखिए एक विद्वान थे उनका नाम था मॉर्गन, उन्होंने 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी छोटी प्लेटों के बारे में बताया था 1968 में। 1968 का काल था, उस टाइम में उन्होंने बताया कि 6 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी छोटी प्लेटें हैं इस पृथ्वी पे वो पाए जाते हैं। तो इसी के आधार पे वैज्ञानिकों ने बांटा हुआ है प्लेट को। लेकिन आप ये जान लीजिए कि प्लेट के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। वाशिंगटन डीसी के एक रिपोर्ट में आया था, वहां के जो जियोलॉजिस्ट थे उनके रिपोर्ट में आया था कि 16 बड़ी प्लेटें हैं, 6 नहीं बल्कि 16 बड़ी प्लेटें हैं और 20 लगभग छोटी छोटी प्लेटें हैं या उससे भी ज्यादा हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि आधुनिक काल के सबसे बड़े जो स्पेस रिसर्च सेंटर है नासा, नासा ने क्या कहा है, नासा कहता है कि 100 प्लेट छोटे या बड़ी प्लेटें होंगी, छोटी और बड़ी प्लेटें जो है वो मिला करके लगभग 100 होंगी। इस पूरा पृथ्वी का जो क्रस्ट है वह कई खंडों में टूटा हुआ है, बहुत सारे खंडों में टूटा हुआ है। आप तो यहाँ देख ही रहे हैं कि कुछ मेजर प्लेट्स बनाए हैं लेकिन यह भी बहुत सारे खंडों में टूटा हुआ है। तो अभी इस पे हम लोग बात करते हैं, लेकिन अभी हम आपको क्या बता रहे थे, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। तो महाद्वीपीय प्लेट कौन कौन से है और महासागरीय प्लेट कौन कौन से है, तो सबसे पहले हम महासागरीय प्लेट को देखते हैं। पहला महासागरीय प्लेट या घनत्व के आधार पे हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें कौन कौन आएगा। अब देखिए जिस प्लेट पे महासागरों का हिस्सा ज्यादा हो उसको महासागरीय प्लेट कहेंगे, जिस प्लेट पे महाद्वीपों का पार्ट ज्यादा है तो उसको कहेंगे महाद्वीपीय प्लेट। अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर को तो स्पष्ट रूप से आप कह देंगे कि यह महासागरीय प्लेट है क्योंकि उस पर पूरा प्रशांत महासागर ही है। जैसे प्रशांत महासागर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा एक प्लेट है तो इसको बोलेंगे महासागरीय प्लेट। तो ये यहाँ पे कौन आएगा, प्रशांत प्लेट यानी पैसिफिक प्लेट, प्रशांत प्लेट एक प्रकार का महासागरीय प्लेट हो गया। दूसरा आप देखिए ये हिंद महासागर का, ये पूरा हिंद महासागर का एक पार्ट है और यहाँ पे इंडिया भी है, इधर ऑस्ट्रेलिया भी है। आप देखेंगे कि इसमें हिंद महासागर का एक बहुत बड़ा पार्ट है और थोड़ा सा पार्ट जो है वो महाद्वीप का आता है, भारत का और ऑस्ट्रेलिया का आता है। तो इसको मिलाकर के एक पूरा प्लेट है, इस प्लेट को क्या कहेंगे, महाद्वीपीय कहेंगे कि महासागरीय कहेंगे,
इसको महासागरीय प्लेट कहेंगे क्योंकि इसमें महासागर ज्यादा है। तो दूसरा प्लेट हो गया आपका इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडो मेडागास्कर ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या फिर आप सीधे इसको इंडियन प्लेट भी कह सकते हैं, इसको गोंडवाना प्लेट भी कहते हैं। ये दो प्लेट है जो महासागरीय प्लेट हो गए। अब देखिए महाद्वीपीय प्लेट, अब चार और प्लेट बचे जो बड़े बड़े हैं उसको आप महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे। कौन कौन है? एक तो ये हो गया अमेरिकन प्लेट, तो यहां पे भी हम लिखते हैं इसको, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए पहला नंबर पे अमेरिकन प्लेट, इसको कहेंगे अमेरिकन प्लेट। दूसरा देख लीजिए, दूसरा देखिए अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। तीसरा देख लीजिए अफ्रीकन प्लेट आप लिख लीजिए, उसी तरह से यूरेशियन प्लेट है, इसको देख लीजिए यूरेशियन प्लेट लिख लीजिए। उसी तरह से आप देख लीजिए एक और प्लेट इसमें बचा है, कौन है? अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन और अंटार्कटिकन प्लेट। अंटार्कटिकन प्लेट भी जो है ना उस पर अंटार्कटिका महाद्वीप ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसको भी महाद्वीपीय प्लेट ही कहेंगे। तो अंटार्कटिकन प्लेट हो गया ये, अंटार्कटिकन प्लेट। तो ये हो गया चार और दो, छह प्लेट हो गए बड़े बड़े, और छोटे छोटे बहुत सारे प्लेट्स हैं। अब देखते हैं हम आकार के आधार पे, तो आकार के आधार पे प्लेटों का वर्गीकरण कर लेते हैं। आकार के आधार पे अभी आपको हमने लिखा है ये चार प्लेट, इसमें आकार के आधार पे कुछ बड़े प्लेट और कुछ छोटे प्लेट। तो बड़े प्लेट तो अभी हम कह दिए छह प्लेट, और छोटे छोटे प्लेट जो है वह उसकी संख्या बहुत सारी है, लगभग 20 प्लेट उसको मान के चलेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अमेरिकन प्लेट है, ये पूरा का पूरा देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक इसका बाउंड्री है, अटलांटिक महासागर के ठीक बीचों बीच एक पूरा प्लेट बनता है, इसको बोलते हैं अमेरिकन प्लेट। और इस अमेरिकन प्लेट के बगल में भी देखिए छोटे छोटे बहुत सारे प्लेट्स हैं, जैसे यहाँ पे एक प्लेट है उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको? तो आप छोटे छोटे प्लेट को देखिए, इसको बोलते हैं गोर्डे प्लेट, इसका नाम है गोर्डे प्लेट, और इसका नाम है जुआन डे फूका प्लेट, इसको जुआन डे फूका प्लेट कहते हैं, जुआन डे फूका प्लेट, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको कोकोस प्लेट कहते हैं, इसको नाजका प्लेट कहते हैं, ये देख रहे हैं साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पे है ये, और इसको एस्कोसिया प्लेट कहते हैं, इसका नाम है एस्कोसिया प्लेट, एस्कोसिया प्लेट। ये देख रहे हैं किस तरह के प्लेट है, ये देख रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट का मार्जिन है ये सब। और आप देखिए अफ्रीका में देख लीजिए, इसको बोलते हैं ईस्ट अफ्रीकन प्लेट, इसको कहते हैं ईस्ट अफ्रीकन प्लेट, इसको कहते हैं सोमाली प्लेट, ये जो है ये सोमाली प्लेट है, सोमाली प्लेट। इसको बोलते हैं न्यूबियन प्लेट, न्यूबियन प्लेट, न्यूबियन, न्यू यहाँ पे न्यूबियन का डिजर्ट भी है, न्यूबियन प्लेट है ये। साथ ही साथ यहाँ देखिए ये अरेबियन प्लेट है, ये पूरा का पूरा अरब है, तो यहाँ पे है ये अरब का अरेबियन प्लेट, इसको बोलेंगे अरेबियन, यहाँ पे जगह कम है इसलिए अरेबियन प्लेट है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पश्चिम में आप देख लीजिए वेस्ट पैसिफिक प्लेट के बगल में वो देख लीजिए, इसको बोलते हैं फिलीपींस प्लेट, इसका नाम है फिलीपींस प्लेट, इसको बोलेंगे फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट है ये। उसी तरह से इसको बोलते हैं कैरोलिन प्लेट, इसको कहेंगे, इसको बोलेंगे कैरोलिन प्लेट, और इसको बोलेंगे बिस्मार्क प्लेट, बिस्मार्क मार्क, या फिर आपको हिंदी में लिख देते हैं बिस्मार्क प्लेट। ये सब छोटे छोटे प्लेट है, आप इस प्लेट के किनारे वाले पार्ट को भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ और भी अगर प्लेट देखना है तो और भी प्लेट आपको मिल जाएंगे, जैसे ये स्कैंडिनेवियन प्लेट है, ये खुद ही एक अलग प्लेट है, स्कैंडिनेवियन प्लेट, स्कैंडिनेवियन प्लेट ये खुद ही एक प्लेट है, स्कैंडिनेवियन प्लेट। और देख लीजिए यूरेशियन प्लेट में आप देखेंगे यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक प्लेट मिलेगा। उसी तरह से आप देखेंगे चाइना में, तो चीन प्लेट अलग ही हो जाता है, इसको बोलते हैं चाइना प्लेट, चाइना प्लेट। यहाँ पे देखेंगे तिब्बत प्लेट है, तिब्बत अपने आप में ही एक प्लेट हो जाएगा, तो यहाँ पे ताइवान प्लेट हो जाएगा, तिब्बत प्लेट, तिब्बत प्लेट।
तो इस तरह से छोटे छोटे अनेकों प्लेट्स है। हमने आपको अभी कहा है कि नासा ने तो कहा कि 100 प्लेट हो सकता है इस पृथ्वी पे, तो इस तरह से प्लेट है। अब आप प्लेट को भी समझ गए हैं और आप छोटे बड़े प्लेट को भी समझ गए हैं, तब आप समझिए कि प्लेट का जो सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, वह किस पे आधारित है। तो सबसे पहले इसमें आएंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है उसको जरा हम समझते हैं। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की संकल्पना जो है वो दिया किसने था। सबसे पहले जो आधार है इस सिद्धांत का, जिसको आप कह सकते हैं बेस, वह क्या है, वह सिद्धांत आया कहां से है। तो इसका बेस है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसको बोलते हैं सागर नीतल प्रसरण। सागर नीतल प्रसरण इसको दिया था हैरी हेस महोदय ने। हैरी हेस ने 1960 में कि 62 में दिया था, आप इसको देख लीजिएगा कि 1960 में दिया है कि 1962 में दिया है। 1962 में हैरी हेस महोदय ने दिया था। इसने बोला क्या था अब उसको भी समझिए। उसने कहा था कि ये जो प्लेट आप देख रहे हैं यह संचलन करता है। उसने मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर के ठीक बीचों बीच जो रिज है उसको बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज, इसके बारे में अध्ययन किया था। और उसने बताया था कि मिड अटलांटिक रिज जो है यह बहुत ज़्यादा यहाँ पे हलचल होते रहता है, यहाँ पे ज्वालामुखी फटता है, यहाँ पे एक दरार फटती है और उस दरार से नीचे से पिघला हुआ मैग्मा बाहर आ जाता है और बाहर आकर के इसके तल पे आके जम जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि यह दो प्लेट के बीच का एक क्षेत्र है मिड अटलांटिक रिज। कौन कौन से, एक आप देख रहे हैं अमेरिकन प्लेट जो महाद्वीपीय प्लेट है, और एक देख रहे हैं आप यूरेशियन प्लेट इधर आपका नॉर्थ अटलांटिक वाला, और इधर देख रहे हैं कि पूरा अफ्रीकन प्लेट है ये साउथ अटलांटिक वाला। अब ये जो है एक सीमा बना रहा है, यह एक बाउंड्री है वो, या प्लेट का मार्जिन है। यह कौन सा मार्जिन होगा, कॉन्स्ट्रक्टिव मार्जिन, क्योंकि अंदर से जो लावा निकलता है, तप्त पदार्थ निकलता है, वह इसी के बगल में क्रस्ट पे आके जम जाता है। नया नया आया यहाँ पे जम गया, और जब फिर दूसरा निकलेगा उद्गार होगा वो उसको धक्का देगा पहले वाले का, और पहले वाले को थोड़ा सरका देगा वह तट के तरफ, फिर तीसरा निकलेगा फिर वह दूसरा को दे देगा धक्का, फिर चौथा निकलेगा वो तीसरे को धक्का देगा, फिर पांचवा निकलेगा वह चौथे का धक्का देगा। ऐसे ऐसे जो जो निकलेंगे वह आकर के इसी क्रस्ट का हिस्सा बनते जाएगा। किस क्रस्ट का, इस दोनों तरफ का जो क्रस्ट है उसका हिस्सा बनते जाएगा। यानी कि अमेरिकन प्लेट का और इधर यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के क्रस्ट का पार्ट बनते जाता है। यानी कि यहाँ पे क्रस्ट में बढ़ोतरी हो रहा है, क्रस्ट बन रहा है। तो इसके कारण कहेंगे कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, यहाँ बनने का काम हो रहा है, डिस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और इससे क्या होगा कि ये जो अटलांटिक महासागर है इसका जो नीतल है उसका जो बॉटम है वह फैलेगा, प्रसरण करेगा, स्प्रेडिंग करेगा। और इस स्प्रेडिंग से क्या होगा कि जब इसको धक्का मिलेगा इस नीचे से निकली हुई चट्टानों से, तो यह और दूर तक जाएगा, यह और ज़्यादा पश्चिम की तरफ जाएगा। और यूरेशियन प्लेट जो है वो देख रहे हैं कि आप वो साउथ और ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि दक्षिण और पूरब की तरफ धक्का लग रहा है इसको। और अरेबियन प्लेट देख रहे हैं कि इस पर भी धक्का दे रहा है पूरब की तरफ, हालांकि अरेबियन प्लेट को इधर से भी एक धक्का लग रहा है, यहाँ भी दरार फट रहा है यहाँ भी। तो ऐसा उदाहरण तो कई है, लेकिन हैरी हेस महोदय ने कहा था कि अटलांटिक महासागर के बीच में जो रिज है उसी रिज के सहारे नए नए चट्टानों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी फटते रहता है और क्रस्ट में आके सटते रहता है, और क्रस्ट इससे नए नए बनते रहते हैं, और उसके कारण जो है इसका प्रसरण होता है अटलांटिक महासागर का। यह धीरे धीरे एक ऐसा वक्त भी आएगा कि यह और ज़्यादा दूर तक फैल जाएगा, यह और ज़्यादा दूर फैलेगा, यह और ज़्यादा दूर फैलेगा, और वहाँ पे निर्माण होते रहता है। तो इसको हैरी हेस महोदय ने समझाया था और यह प्लेट टेक्टोनिक का एक आधार भी बना। तो इस तरह से उन्होंने ये बातें बताई। वो बता दें कि यहाँ पे जो फैलता है तो ज्वालामुखी तो फटेगा ही, साथ ही साथ यहाँ भूकंप भी आता है। हालांकि भूकंप का जो परिमाण है वो थोड़ा कम ही रहता है, लेकिन आते हैं यहाँ भी भूकंप, साथ ही साथ यहाँ पे और भी रिजेज बनते रहते हैं। रिज क्या होता है, अंदर से जो चट्टान आकर के गरम गरम जो यहाँ जम जाती है उसी जमे हुए चट्टान को कहते हैं रिज, वह रिज बन जाता है। और रिज जो है देखेंगे कि यहाँ पे नए नए चट्टानें मिलेंगी, और जैसे जैसे इस मिड अटलांटिक रिज से दूर जाएंगे वैसे वैसे चट्टानों का जो आयु है वह पुराना होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि पुरानी चट्टानें तट के आसपास मिलेंगी, नई चट्टानें मिड अटलांटिक रिज पे मिलेंगी। इसी को कहते हैं स्प्रेडिंग एक्सिस,
जिसके सहारे गर्म गर्म लावा बाहर आ जाता है उसको बोलते हैं स्प्रीडिंग एक्सिस। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, हैरी हेस महोदय ने बताया था। बाद में 1965 में, देखिए 1965 में उसका नाम था जे टूजो विल्सन नाम था उसका। उसने प्लेट का नामकरण किया। प्लेट का नामकरण किसने किया? तो जे टूजो विल्सन ने किया था। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। साथ ही साथ इसमें और भी जानेंगे कि हाँ, मॉर्गन ने 6 बड़े प्लेट और 20 छोटे प्लेट के बारे में बताया था, मॉर्गन। इसी तरह से मैथ्यूज जैसे एक विद्वान थे, तो उन्होंने बताया था कि प्रसरण कैसे करता है। इंडियन ओशन का भी अध्ययन किया था, उसने बताया था कि इसके अफ्रीका के आसपास ऑस्ट्रेलिया और इधर इस साइड में देखेंगे कि चट्टाने किस तरह की मिलती है और कैसे इंडियन ओशन भी फैल रहा है, उसके बारे में भी उसने बात के चट्टानों का अध्ययन उसने किया था। तो इस आधार पर उसने बताया था। तो आप इसको भी समझ गए हैं कि सिद्धांत का बेस क्या है। दूसरा बेस और देख लीजिए, दूसरा बेस है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, आप उसको कह सकते हैं। दूसरा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना सिद्धांत दिया था। टेलर ने दिया था, एंटोनियो स्नाइडर ने भी बात बोला था कि कॉन्टिनेंट खिसक जाते हैं, और वेगनर भी बोलते हैं। लेकिन इसमें अंतर है प्लेट टेक्टोनिक्स में और जो पहले के विद्वान थे उनमें अंतर है। पहले टेलर साहब हो या वेगनर साहब हो, खाली महाद्वीप को खिसका रहे थे। वो बोल रहे थे कि खाली महाद्वीप खिसकता है, महासागर नहीं खिसकता है। जबकि प्लेट टेक्टोनिक कहता है कि महाद्वीप और महासागर दोनों प्लेट पर ही अवस्थित है, इसलिए जब प्लेट का संचलन होगा तो महाद्वीप के साथ साथ महासागर भी खिसक जाते हैं। कहीं कहीं पे महासागर खुल रहा है, कहीं पे बंद हो रहा है। इसका मतलब है कि कहीं पे प्रशांत महासागर जो है वो धीरे धीरे संकुचित होकर के छोटे होते जाएगा। तो आएगा उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी जो एक सिद्धांत है, हालांकि दिया बहुत पहले के लोगों ने, लेकिन वह भी एक आधार बनता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के लिए और उस पर बात होने लगती है। उसके बाद देखिए फोल्डेड माउंटेन, ये है फोल्डेड माउंटेन। अब इसके बारे में विद्वानों ने बहुत सारे रिसर्च किए। कूबर महोदय ने अपना सिद्धांत दिया था, होम्स महोदय ने अपना सिद्धांत दिया था, टेलर ने भी बताया था कि कैसे बनते हैं, वेगनर ने बताया था कि कैसे बनते हैं। सब लोगों ने पर्वत निर्माण के बारे में बात किया था। पर्वत बहुत सारे मिलते हैं, इधर रॉकीज है, इधर एंडीज है, आप देखेंगे अपलेशियन पर्वत भी है, हर्सिनियन पर्वत भी है। भारत में भी सभी प्रकार के पर्वत मिलते हैं, कैम्ब्रियन काल के भी मिलते हैं, हर्सिनियन काल के भी मिलते हैं, और चर्नियन जिसको बोलते हैं उस काल के भी है, और कैलिडोनियन काल के है, टर्सरी काल के है। इस तरह से भारत में भी सभी काल के पर्वत मिलते हैं। विश्व में भी कई पर्वत है, यहाँ एटलस पर्वत है, काकेशस पर्वत है, अल्ताई है, तियन शान है, वो पर्वत है, कोह है, सुलेमान है, किर्थर है। उसी तरह से आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह से बहुत सारे आल्प्स मिलते हैं आपके यूरोप में। इस तरह से बहुत सारे पर्वत है, उसकी कहानी आगे बढ़ती है। तो बहुत सारे विद्वान वो ठीक से समझा नहीं पाते हैं। ज्यादातर विद्वान टर्सरी कालीन वाले तो समझा देते हैं, उसके पहले वाले समझा ही नहीं पाते। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक कहता है कि सारे जो प्लेट है वह कभी भी रुकते ही नहीं है, हमेशा ये संचलन करते रहते हैं। यानी कि आज से 700 मिलियन ईयर्स पूर्व भी अगर हम देखेंगे कि आज से 70 करोड़ साल पहले क्या हुआ, तो 70 करोड़ साल पहले ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं अलग अलग महाद्वीप और महासागर, ये ऐसे स्थिति में नहीं थे। ये सारे महाद्वीप एक जगह समटाए हुए थे, सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में थे। उसको जिसको पेंजिया कहा वेगनर महोदय ने कार्बोनिफेरस काल में, उसके भी पहले चला जाता है प्लेट टेक्टोनिक और कहता है कि 700 मिलियन साल पहले वो क्या था कि सारे के सारे महाद्वीप एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में अवस्थित था 700 मिलियन साल पहले, और इसमें 500 से लेके 600 मिलियन ईयर्स एगो में क्या हुआ कि उसमें डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ। और उसी टाइम में कहते हैं कि जो उस टाइम के जो पर्वत बने होंगे प्री कैम्ब्रियन काल के, या आप कहते हैं कैलिडोनियन का, ये हर्सिनियन काल के, ये सब बने होंगे। और उसके बाद कहा जाता है कि 300 साल पहले ये आप उस समय में भी कुछ महासागर बने होंगे, निर्माण हुआ होगा। और उसके बाद आज से 200 मिलियन वर्ष पूर्व फिर से आकर के एक जगह समेटा गए होंगे, एक जगह आके सिमट गए होंगे। यानी कि सिमट गए होंगे तो इसका मतलब है कि फिर से आकर के एक सुपर कॉन्टिनेंट बना दिए।
यानी कि फिर से यहाँ यहाँ भी सुपर कंटिनेंट बना, फिर यहाँ आके सुपर कंटिनेंट बन गया, और उसके बाद फिर से इसका संचलन शुरू होता है 20 करोड़ साल के बाद फिर शुरू हो गया, फिर यह धीरे 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 एक दूसरे से अलग होना शुरू हुए और धीरे धीरे अब ये वर्तमान स्थिति में पहुंच चुके हैं। यानी कि प्लेट टेक्टोनिक बहुत पहले का भी अनुमान लगा लेता है। अच्छा, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में कौन से प्लेट किधर जाएगा, इसका भी पूर्वानुमान करता है प्लेट टेक्टोनिक। बाकी लोगों ने यह पूर्वानुमान नहीं कर पाया था, लेकिन यह पूर्वानुमान करता है। न्यू टेक्टोनिक में आप पढ़ेंगे कि कैसे अफ्रीका के रिफ्ट वैली धीरे धीरे ये फैल रहा है और यहाँ पे एक न्यू टेक्टोनिक पैदा हो रहा है, कैसे भारत में भी यहाँ पे एक हर्षिल हरिद्वार से लेकर के और एक पूरा रिज तैयार हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ से भी हो सकता है कि ये कभी भविष्य में चाइना प्लेट अलग हो जाए और इधर का तिब्बत प्लेट वाला जो हिस्सा है वो अलग हो जाएगा। साथ ही आप देख रहे हैं कि इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, एक ही प्लेट माना जाता है, लेकिन 90 डिग्री ईस्ट के सहारे इंडियन प्लेट जो है वह धीरे धीरे दक्षिण और पूरब की तरफ भाग रहा है, और इंडियन प्लेट तो आप देखते ही हैं उत्तर और पूरब की तरफ भाग रहा है। तो इससे क्या होगा कि इसके बीच में भी एक बहुत बड़ा होल बन रहा है, दरार फट रहा है, यहाँ पे जो है डाइवर्जेंट हो रहा है प्लेट का और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। हिंद महासागर फैल रहा है, हिंद महासागर अटलांटिक महासागर का ही एक छोटा भाई है, ये भी फैल रहा है, ये भी फैल रहा है, ये थोड़ी पीछे रहने वाला है, भाई बड़ा भाई छोटा भाई, तो जैसे जैसे ये फैलेगा ये भी फैल रहा है, इसके सहारे सहारे ये भी फैल रहा है, देख रहे हैं। अब तो ऐसे हो सकता है, ये प्लेट टेक्टोनिक ही बताता है और पुराने विद्वान नहीं बता पाए हैं। तो अब आगे का देखते हैं कि प्लेट का जो मार्जिन्स है वह किस तरह के होते हैं और उस पर किस तरह से घटनाएं काम करती है और कैसे कैसे उसमें संचलन होता है।